ये देखना ये कैसे के कैसे बैठे हैं यार, ये इनको देख के ना इतना, ये देखना कितना प्यारा। और अच्छा ये ब्लैक कलर में एक चीज देख रहा हूँ कि ब्लैक कलर बहुत रेयर होता है, राइट? लालिक है, लालिक जी फीमेल है। वाओ, और इसकी ब्लू आईज है, ब्लू आईज है। वाओ, ग्रे आईज है, ग्रे, एग्जैक्ट ग्रे आईज है गाइस इसकी। तो यहाँ पे जो है, ओह माय गॉडनेस, अरे 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 गाइस, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है वो डॉगी जो कल ये भाई उठा कर लाए हैं। अरे ओए ओए, क्या नाम रखा? जैक एंड जोन्स। जैक एंड जोन्स। और मैं अभी जा रहा हूँ हमारे जिस किरत पाजी के पास, वहां मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ज्यादा अमेजिंग, अरे बस बाबा, अमेरिकन बुलीज, बिकॉज जसकीरत पाजी की जो शॉप है, पेट हाउस हमारी जो शॉप है, वहां पर आ रहे हैं बहुत सारे अमेजिंग डॉग्स, पपीज आ रहे हैं वैक्सीनेट होने, तो मैंने सोचा कि इतने अमेजिंग पपीज आ रहे हैं तो मैं कैसे आप सभी को ना दिखाऊं। सो मेक श्योर टू वॉच पूरा व्लॉग। और वाह वाह, क्या यार, अरे मेरे को घेर दिया था, अरे अरे खुद भी गिरने लगी अभी भी। ओके गाइस, तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं पेट हाउस में और आज वो अंदर चलते हैं जिसके पास में बात है। हां जी, गल्ला बात चल रही है। हां जी, कैसे हो पाजी? कैसे हो? हेलो पाजी, कैसे हो? हमारे डॉक्टर साहब कैसे? डॉक्टर साहब बढ़िया। ओके, तो आज भाई मेरे को स्पेशल किस लिए बुलाया गया है, थोड़ा ऑडियंस को पहले ही बता दे। आज दिखा रहे हैं आपको अमेरिकन बुली पपीज जो नई ब्रीडिंग थी, काफी टाइम से मैं ऐसे ही आ रहे थे, फिर नया क्या ब्रीड कर रहे हो। वाह क्या बात है, तो अभी हम नीचे चलते हैं। और आज ये पेट शॉप में क्या कर रहे हैं वो लोग? वैसे तो हमारा फार्म है जहाँ पे हम ऑलरेडी कई बार वीडियोस बना चुके हैं, वहीं पर हम डॉग्स देखते हैं। आज यहाँ पर कैसे चेकअप उनका, वेट, बॉडी वेट, बाकी वैक्सीनेशन लगनी है? सही, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, पेट हाउस जो है मोहाली के अंदर पेट शॉप है पाजी, और यहाँ पर जो है साथ के साथ इनका प्रॉपर क्लिनिक है, डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठते हैं, जो वैक्सीनेशन से लेके हर एक चीज़ का जो है वो यहीं पर ही इलाज किया जाता है। सो वो चीज़ बेनिफिशियल भी है लोगों के लिए, क्योंकि लोग जो यहाँ पर विजिट करते हैं, अगर उनके डॉग को कोई प्रॉब्लम भी है तो वो साथ के साथ वो चीज़ वहाँ पर दिखाई जा सकती है। तो अभी नीचे चलते हैं, मैं आपको लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको सेटअप भी दिखाया था, दोबारा से दिखाता हूँ और बच्चों से भी मिलवाता हूँ, चलाओ। तो गाइस अभी हम आ गए नीचे, और फिर से भाई ये देखो कितने, एक तो ना ये कपड़े ना इंसानों के इतने अच्छे कपड़े नहीं आ रहे, मैं देख लूँ क्या पहन के घूमता हूँ, और ये देखो भाई साहब। और जो यहाँ आपको कुछ याद हो, थोड़े टाइम के पहले जब हम यहाँ पर आए थे और हमने मीमी और ड्रिल के लिए कुछ ड्रेसेस ली थी, पग जैसी ब्रीड हो गई या फ्रेंच बुलडॉग हो गई, अमेरिकन बुली हो गई, इसके साइज में है। वाह, ये बड़े साइज में भी पड़ा अपने पास? सारे साइज में पड़ा, ये अमेरिकन बुली में बैन कर देंगे इसको, इसको फेडरेशन से बाहर निकाल देंगे, इसको देसी कुत्ता करार कर देंगे। तो इन्होंने फाड़ दी है भाई, मैं अपने डॉग्स को इसके बाद इतनी महंगी ड्रेसेस तो नहीं दिलवा रहा भाई ना, मेरे को सस्ता स्टॉक चाहिए, मेरे को महंगा स्टॉक नहीं चाहिए। मेरे कुत्तों ने फाड़ दी भाई, वो लिटरली चीथड़े उड़ा दिए दोनों जैकेट के। सस्ता भी पड़ा है। बस आप छोड़ो भाई, आ जाओ अंदर, आओ आओ, हमारे को मिलवाओ सभी पपीज से एक एक कर। और जो वैक्सीनेशन, कैसे बहुत लोगों का कमेंट आते हैं, स्पेशली अमेरिकन बुली को क्या कोई अलग वैक्सीन लगती है या वही रेगुलर वैक्सीन लगती है जो लैब्राडोर या जर्मन शेफर्ड को लगती है, वो भी आज क्लियर करेंगे, और कैसी कैसी डोसेज और क्या क्या देना चाहिए सभी आप वीडियो में देख ही लेंगे। तो गाइस ये दिखाता हूँ आज आपको मैं, ओ तेरी की, कितने बच्चे होंगे भाई ये टोटल? आई थिंक 7-8, 7 या 8, गिन के बताओ, गिनो, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, छोटे छोटे पता नहीं चलता ना, तो सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। ये दिखाना, ओरे ये कितने टाइम का है ये? लीटर में टाइम का वी, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया ऐसे। अरे इसको ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, इसके पेट ज्यादा फुल है। अच्छा, खाना ज्यादा खाया वो क्या? ओ यार इसका पेट ही नहीं है। ये कौन से, मतलब ये किस डॉग के हैं या सभी अलग अलग डॉग्स के हैं? अलग अलग डॉग के, मतलब 2 लीटर है इसमें। अच्छा, अलग अलग डॉग के हैं, लेकिन लेकिन ये फर्क होता है काफी, मैसे नहीं आते भी एक्सोटिक माइक्रो, हाँ। माइक्रो एक्सोटिक क्या फर्क रहता है? हाँ। देखो वेट के अकॉर्डिंग बता दूं, सेम लीटर मेट है, दोनों भाई है। इसका वेट है 2 किलो 600 ग्राम, ठीक है। ये भारी वाला है? जी भारी वाला है जी, अभी छोटा है, ये छोटा है, और ये 1 किलो 20 ग्राम, लगभग हाफ। सही, तो ये फर्क होता है एक्सोटिक, ये बच्चा रहेगा एक्सोटिक, ये रहेगा माइक्रो। जैसे बॉबकैट देखा था, ये बॉबकैट जैसे छोटा है, ये जैसे बिजी बोन जैसे माइक्रो आ जाते हैं, ये तो सही है। और ये बाकी सभी ब्लॉग करके दोनों से सबसे, और
ये कितने दिन के हैं अभी सभी? ये गुच्ची का मेल है। अच्छा वाह, तो गुच्ची बेल्ट एक डॉग है इनका और उसका बच्चा है। जो था इम्पोर्ट है उसका ये बच्चा है। सही, लगभग कितने दिन का हो गया अमित भाई? वाह, 3 किलो, मतलब ये इतना सा बच्चा 4 किलो का है। वाह यार बहुत सही। और ये सभी के सभी हैं? ये 2 महीने प्लस हैं। अच्छा वाह, तो आज इनको सबको वैक्सीन करने वाले हैं। हाँ। एक एक करके और पैसे साथ साथ बच्चे भी दिखाते हैं पूरे के पूरे। ये दिखाना, ये मिमी जैसी लग रही है। फ्रेंच को देख दिया, ये मिमी जैसा। ओ भाई कितना जी मेल है पकड़ना जी, मान के चलो उसी का ही जो 3.5 किलो वाले का भाई है। पेट देखना टोंडू सा निकला हुआ है इसका, फूल रखे हैं। हाँ भाई, क्या डाल रहे हैं इनको वैसे हम खाने में? 2 फूड चल रहे हैं अभी, NMD और कैलिब्रा। सही, कैलिब्रा में लैम फ्लेवर आता है और NMD में लैम फ्लेवर आता है। वो ये देखना भाई, ये बच्चा खतरनाक है। देखना इसकी शक्ल देखना, लगी है ना बहुत बुग्गड़ सा है। हाँ बुग्गड़ सा है ये पूरा। फेस क्वालिटी तो उसकी देखो ना, जबरदस्ती है। और एक रह गया ये, ये छुप रहा था सबके ये बीच में। हाँ ये अलग है। ये सारा चिड़चिड़ है। और एक ही रह गया, ये गोल्डन वाला है ना। सब लैलिक हैं जी, 3 बच्चे लैलिक हैं। लैलिक जी फीमेल है। वाओ, और इसकी ब्लू आईज है। ब्लू आईज है। वाओ, ग्रे आईज है। ग्रे, एग्जैक्ट ग्रे आईज है गाइस इसकी। वाओ, और चॉकलेट और लैलिक की दोनों की आईज का फर्क रहता है बाकी कलर के साथ। ये भी है। ओयो, ओह क्या डिफरेंशिएट होता है? मुझे तो जरूर पता है, बट मैं चाहूंगा हमारी ऑडियंस को भी पता। बड़ा भाई जो 25 दिन पे बच्चों को लगा देते हैं, राइट? जैसे अगर ये छोटे थे 25 दिन पे ऐसे इनको लगाई होगी आपने, और उसके बाद एक होती है, फिर जब वो एक मंथ क्रॉस 45 डेज क्रॉस हो जाता है, एक वो होती है, फिर एक बूस्टर होता है उसका, राइट? वो कितने टाइम बाद लगता है? उसका गैप होता है 10 दिन के बीच में। अच्छा, 10 दिन के बाद 45 डेज पे एक वैक्सीन लगवाई, फिर 55 डे पे उसका बूस्टर लगवाया, और फिर जो रैबीज होती है वो लगती है 90 डेज पे। अच्छा, वो जब वो वैक्सीन के बीच में कभी भी लगा सकते हैं। अच्छा, वो 90 डेज के बीच में कभी भी लगा सकते हैं। हाँ। अभी इनको कौन सी वैक्सीन लगनी है आज? पहली वैक्सीन लगनी है, दूसरी बूस्टर? एक लीटर को लगेगी बूस्टर, नहीं पहली वैक्सीनेशन। अच्छा, पीडीपी लग चुकी सभी की, पीडीपी लगनी है, वैक्सीनेशन में काउंट नहीं करते क्योंकि सिर्फ उसमें सिर्फ 2 बीमारी होती है, पार्वो और स्टैम्प पॉइंट। तो अब लगेगी 7 मंथ इसको, एक लीटर को लगेगी सेकंड डोज। अच्छा, और एक को लगेगी फर्स्ट। एक को मतलब आज लगाएंगे 11 मंथ लगाएंगे, जो सेकंड लगनी है वो एक को ऑलरेडी हम 7 मंथ लगाएंगे आज। तो इनका, अच्छा एक बात है गाइस, इनका जो है ना वेट बहुत मैटर करता है, क्योंकि वेट से जो है ना इनकी कैटेगरी वाइज इनको आप छांट सकते हो। उल्टा साइज तो एक है ही है, बट वेट से भी कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही होगा, कि जितना छोटा स्ट्रक्चर होने के बावजूद, जैसे इसका स्ट्रक्चर कितना छोटा है डॉग का, और इसका वेट है 2 किलो वेट है गाइस, आप समझ रहे हो ना, हैवी बोन है ये, इसकी बोन बहुत हैवी, मतलब ये पग जितने साइज का है, पर अगर यहीं पे कोई पग होता तो वो 1-1.5 किलो का होता। और बोन हैवी होते हैं, इनके बोन्स हैवी होते हैं, इस करके अरे बाबा इसका वेट इतना है। ओके गाइस, सो अभी फिलहाल हमने इनको जो है बाहर निकाला है और इनको एक बेड दिया है ताकि ये कंफर्टेबली बैठ सके। तो यार पाजी, मार को एक चीज बताओ कि ये आप वैक्सीन अभी ठंडी ठंडी हैं बिल्कुल, इनको आप निकाल के लाए हैं, पाबो वायरस वैक्सीन है, और ये कितने 7-in-1 है? कौन से ये भैया? 9-in-1 है। अच्छा, ये 9-in-1 है। तो 9-in-1 का मतलब है 9 प्रॉब्लम्स या 9 जो वायरसेस या बीमारियों की एक वैक्सीन, राइट? बिल्कुल। और दूसरी ये 11-in-1 है। अच्छा, ये 11 की है, ये जो 11 प्रॉब्लम्स है उसकी वन है, तो रेट उसके हिसाब से वेरी करता होगा। हाँ, उसके हिसाब से ये 7-in-1 है। और ये अलग अलग कंपनीज की आती है, अलग अलग जगह से आती है, एक ब्रांड की आती है, अलग अलग आती है, विरबैक आती है, इंटास आती है, हर एक ब्रांड की आती है। तो बेसिकली गाइस, जो वैक्सीन कंपनीज होती हैं वो सारी इंटरनेशनल भी होती हैं, नेशनल भी होती हैं। आपको एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाए, पहले तो डॉक्टर हो वो, ठीक है ना, डॉक्टर वेरीफाइड हो, ये चीज़ याद रखनी है। झोला छाप से नहीं लगवाना, खुद खरीद के लगाने के उसमें भी मत रहना। बेटर है कि आप वैक्सीन लगवाने के लिए किसी वेट के पास जाए, प्रॉपर उससे उसका कार्ड बनवाए। यहाँ पे अगर कोई जाता है, कार्ड बनता है, राइट? कई की करते हैं वैक्सीनेशन करे जाके ला लेंगे। उस की होता, डॉग नू कभी भी कोई बीमार होवे, बुखार होवे, वैक्सीन कभी नहीं लगती।
ਜੇ ਚੋ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ ਡੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਉਹ ਡੋਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ इम्यूनिटी बना ही नहीं पाएगी. इम्यूनिटी बनाने में एक वैक्सीन को थोड़ा टाइम लगता है. और ये ऐसा नहीं होता कि वैक्सीन लगाने के समझ लो वैक्सीन लगाते 10 दिन के बाद आपका डॉग बीमार हो गया और आप वहां जाके खड़े हो गए कि हाँ मेरा डॉग. क्योंकि वैक्सीन को भी चलने में एटलीस्ट एक नंबर ऑफ डेज चाहिए होते हैं, 15-10 दिन से ऊपर का. मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, डॉक्टर सरदाना के साथ हमने वीडियोस बनाई है तो तब उन्होंने बार को बताया था कि एक टाइम लगता है जब वो वैक्सीन इम्यूनिटी बूस्ट करती है बनाती है. अब देख रहे हो इतना सा है और ये 2-2.5 महीने की उम्र के करीब है. और जब ये 1.5 साल का होगा तो मतलब मेरे को लगता था ड्रिल बहुत छोटा है, ये तो उससे भी छोटा बनने वाला है. ये देखना ये कैसे के कैसे बैठे हैं यार, ये इनको देख के ना इतना, ये देखना कितना प्यारा. और अच्छा ये ब्लैक कलर में एक चीज देख रहा हूँ कि ब्लैक कलर बहुत रेयर होता है, राइट है ना? मतलब ब्लैक कलर बहुत रेयर है. ये कलर मैंने पहले भी बहुत बार देखा, ये भी कलर मैं पहली बार देख रहा हूँ. और एग्जैक्ट जो इसमें ब्लैक कलर है, विश्वास रखते हैं जिस वजह से वो ब्लैक डॉग पालते हैं, राइट? तो उस कलर ज्यादा ब्लैक इनक्वायरी ज्यादा आती है, बट ब्लैक डिप क्योंकि कम आते कम है ना, तो इसलिए डिमांड ज्यादा है उस चीज की. बिल्कुल ये बात तो माननी पड़ेगी गाइस. तो यहाँ पे जो है, ओह माय गॉडनेस, अरे 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 अरे, इसको खोल देते हैं, इस प्यारे बेबी को खोल देते हैं. तो ये अभी जस्ट ग्रूम होकर हटा है. हेलो हेलो हेलो, ये जस्ट यहाँ पर अभी ग्रूम होकर हटा है. और ये इनका ग्रूमिंग सेक्शन है, पहले से तो बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है इसको. ग्रूमिंग बाथ टब्स हैं, ड्रायर है. ये अभी भी ग्रूम होकर हटा है. हाँ तू अभी अभी ग्रूम होकर हटा है. अरे यार इसको देख के मुझे गोल्डन रिट्रीवर लेने का मन कर रहा है. अरे 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 हेलो, अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ, बाहर चलो बाहर चलो. भाई ये कौन है भाई साहब, ये कौन है? हाँ जी जसकीरत जी, ये कौन है जी? हॉस्टल में आया था. अरे वाह, कूप्स कूप्स, ये हम वॉश थे नेल्स आज जा रहे हैं, वॉश हो या नेल क्लिपिंग, ये राइज. तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी है इसलिए यहाँ पे हॉस्टल पे रहने आया था. वाह, अरे चलो अंदर चलो. अच्छा अंदर चलो आप. यहाँ पे हमारे, बताओ भाई, बता रहे थे आप? भाई ना कल वैसे भी पहला स्ट्रीट डॉग का कर दे, मतलब सेवा कर दिया आंटी. हाँ, लेकिन कल इनको 2 डॉग बच्चे मिले छोटे से पटियाला में, पटियाला में रास्ते में, हाईवे पे, हाईवे पे चंडीगढ़ टू पटियाला जो हाईवे है उस पे. तो वो उठा के लेके आए. तो आई थिंक कोई इतना महंगा फूड किसी को भी, स्ट्रीट डॉग स्पेशली अगर कोई अडॉप्ट करता है उसको, मतलब घर में भी जिसने रखे इतने महंगे फूड कमी, हाँ, कम लोग डालते हैं. भाई ने बोला मैं आपको बेस्ट लाइफ देना चाहता हूँ, जो भी बेस्ट हो सके. आ जाओ दिखाओ ना मार को एक बार, कहाँ है? चल आ जाओ चलते हैं, भाई की शॉप है, आओ चलते हैं. गाइज यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है वो डॉगी जो कल ये भाई उठा कर लाए हैं. अरे ओए ओए, क्या नाम रखा? जैक एंड जोन्स. जैक एंड जोन्स, तो एक हमने जैकेट पहनी हुई थी, जैक एंड जोन्स. अच्छा, एक फीमेल है और इनमें से एक मेल है. जैक मेल है, जोन्स फीमेल है. हेलो, हाय यो. ये देखना इन्होंने बिल्कुल नया बेड लिया है, कल लिए नया बेड लिया ना, बिल्कुल ये नया मतलब बेड नहीं. कल रास्ते में अभी इनको मतलब पकड़ के लिया, लेकिन लड़कों को पहले भेज दिया. हाँ, शॉपिंग करके आओ, बैग लेके आओ. अरे ओए ओए, हेलो, अरे हेलो, ओए ओए, कितने प्यारे हैं ये भाई, कितने. हेलो हेलो कर तू भी इनको, भाई हेलो हेलो हाय भी सिखाना है. तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये 10 फेस में ही पाजी की जो है पंडित जी कचोरी वाले नाम से, वो मतलब पूरी ट्राई सिटी की सबसे फेमस शॉप है. यहाँ का भी हम कभी फूड व्लॉग जरूर करेंगे, बट फॉर अ टाइम बिंग ये देखना. ओ देना भाई इनको एक हड्डी, देना निकाल दो इनको, हड्डी दो इनको, देखो पागल हुए हैं. बाकी गाइस बाकी सारी चीज़ें तो आपने पेट शॉप पे ऑलरेडी देखी हुई हैं. और हेलो, क्या नाम है आपका? समरजोत. थोड़ा जोर से बोल यार. समरजोत सिंह. और जोर से. समरजोत सिंह. हाँ ये बढ़ी ना गल. ओके, बाकी गाइस आपको जो है अगर कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए होगी तो आप मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना अगर आप नए हो. और लोकेशन का आपको पता लग ही गया है, यहाँ पर आप आ सकते हो. ये पपीज़ ना स्पेशली ये व्लॉग बनाने का पर्पज़ यही था कि अमेरिकन बुली को कोई डिफरेंट वैक्सीन तो नहीं लगती, ये आप सबको बताना था. और अमेरिकन बुली के ब्रीड के बारे में कैसे उसको वैक्सीन किया जाता है और कैसे कैसे डॉग्स की क्वालिटी का पता लगता है,
वो लड़ाई बच गई, लड़ाई बची, लड़ाई बच गई भाई। अभी ना फिलहाल यहाँ पर अंदर लड़ाई बच गई, तो मैं वहाँ बाहर लड़ाई बच गई तो मैं अंदर वापस आया और बताया, तो कोई आपस में किसी ने किसी गाली ठोक दी और जो लड़का लड़की गाली में लग रहे थे। ओके गाइस, सो विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, व्लॉग अच्छा लगा मेक श्योर द लाइक बटन। चैनल का पहला व्लॉग है और साथ में गाइस इस साल बहुत बड़े प्लान्स हैं, प्लीज़ सपोर्ट करो। मिलते हैं हम आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, बहुत सारे कमेंट्स लास्ट वीडियो में आपने करे हैं, तो बहुत जल्दी हम हमारी जो मैगी के बच्चे हैं उनका नाम रख देंगे, तो उसके लिए भी आप वेट करना।